अगर मोदी जी कॉलेजियम के खिलाफ होते, मोदी जी अगर लेटरल एंट्री के खिलाफ होते तो अब तक इस पे एक कानून क्यों नहीं बनाते? मोदी जी की कथनी और करनी में आप हमेशा फ़र्क देखिए, चुनाव में या कहीं भी रैलियों में इनके भाषण जो होते हैं, भाषण में ये कुछ कहते हैं और करते कुछ और हैं। मोदी जी नोटबंदी के टाइम पे भी कह रहे थे कि अगर जो है व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो मैं चौराहे पे आ जाऊंगा। वो चौराहा हालांकि आज तक किसी को देखने को नहीं मिला। मोदी जी ये भी कह रहे थे कि 100 दिन के भीतर स्विस बैंक में जो ब्लैक मनी पड़ा हुआ है वो ब्लैक मनी हर व्यक्ति को मिल जाएगा, अब वो देश में आ जाएगा और हर व्यक्ति को जो है 15 लाख रुपये मिल जाएंगे। अब ब्लैक मनी देश में आना तो दूर की बात है, अब स्विस बैंक ने ये रिकॉर्ड जारी किया है कि वहाँ पर जो पैसा था मान लीजिए 100 रुपये थे तो अब वो बढ़ के 150 रुपये हो गए हैं। तो भ्रष्टाचार फैलाने का काम ही मोदी जी कर रहे हैं और देश में जो भी बांटने का काम है, बांटने का काम ही मोदी जी कर रहे हैं। अगर मोदी जी इतने पाक साफ हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, दलितों का सम्मान करते हैं, आदिवासियों का सम्मान करते हैं, तो बिल्किस बानो के जो हत्यारे हैं उनको क्यों छोड़ा गया, उनको क्यों रिहा किया गया और उनके बलात्कारियों को जो विधायक कह रहा था कि ये संस्कारी थे इसलिए छोड़ा गया तो उसको टिकट क्यों दिया गया? तो कहीं ना कहीं मोदी जी की नीयत में हमें खोट है, मोदी जी की मंशा में खोट है, मोदी जी की कार्यप्रणाली में खोट है, इसीलिए मोदी जी के ऊपर, प्रधानमंत्री जी के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ही जो है उसका उसके पक्ष में है, वो नहीं चाहता है कि कॉलेजियम। भाई एक बात बताइए, नियम बनाने वाले कौन है जिनको उन नियमों का फायदा मिल रहा है? अगर आप बताओ आपको किसी नियम से कोई लाभ मिलेगा तो आप उस नियम को क्यों खत्म करेंगे? मुझे बताइए, अगर मेरी कोई आमदनी का स्रोत है और मैं उस आमदनी के स्रोत को क्यों बंद करूंगा? इसको तो सरकार को देखना पड़ेगा, सरकार को इस पे विचार करना पड़ेगा, सरकार को इस पे मंथन करना पड़ेगा। सरकार के लिए ये बड़ा सवाल है, कॉलेजियम सिस्टम और लेटरल एंट्री। अगर ये लोग इसको बंद नहीं करेंगे तो देश की व्यवस्था, और जो ख़ास तौर से अगर हम कॉलेजियम सिस्टम की बात करें तो जब से ये कॉलेजियम सिस्टम लागू हुआ है आप देखिए केस लंबित होते जा रहे हैं। अभी कोर्ट में हजारों लाखों की संख्या में केस पेंडिंग में हैं, क्योंकि जब एक नाकाबिल जज कुर्सी पे बैठेगा तो वो न्याय नहीं दिलवा पाएगा। साहब जिसको जानकारी होगी वो जानकार आदमी ही आपको न्याय दिला सकता है। अब जो अब तो ये कहते हैं कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के घर पे कोई बच्चा पैदा होता है तो वहाँ लोग बाग ये कहते हैं कि साहब बधाई हो जज पैदा हुआ है। तो इस तरह की जो कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं, ये समाज में चलने लग गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए भी ठीक नहीं है।